जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। किसकी सब्जी खाने से दांत साफ होते हैं? आपके विकल्प हैं ए करेला, बी पपीता, सी लौकी, डी बैंगन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पपीता। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सी सब्जी खाली पेट खाने पर जहर बन जाती है? आपके विकल्प हैं ए आलू, बी पालक, सी मूली, डी गाजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूली। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी नरेंद्र मोदी, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा जीव सबसे अधिक बच्चे पैदा कर सकता है? आपके विकल्प हैं ए चूहा, बी बिल्ली, सी खरगोश, डी कुत्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूहा। आइए देखते हैं अगला सवाल। डेंगू बुखार में किस जानवर का दूध फायदा करता है? आपके विकल्प हैं ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी भैंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरी। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस फल में बीज और छिलका नहीं होता है? आपके विकल्प हैं ए सेब, बी शहतूत, सी केला, डी संतरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शहतूत। आइए देखते हैं अगला सवाल। पानी में क्या मिलाकर आंख धोने से आई फ्लू ठीक हो जाता है? आपके विकल्प हैं ए शहद, बी दूध, सी तुलसी, डी एलोवेरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शहद। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा सांप पक्षियों की तरह घोंसला बनाता है? आपके विकल्प हैं ए पाइथन, बी किंग कोबरा, सी ब्लैक माम्बा, डी एनाकोंडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किंग कोबरा। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस शहर को मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी आनंद, डी गांधीनगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आनंद। आइए देखते हैं अगला सवाल। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके विकल्प हैं ए पथरी, बी कब्ज, सी डायबिटीज, डी पीलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कब्ज। आइए देखते हैं अगला सवाल। डेंगू मच्छर जमीन से कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? आपके विकल्प हैं ए 3 फुट तक, बी 4 फुट तक, सी 5 फुट तक, डी 6 फुट तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 फुट तक। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस देश को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था? आपके विकल्प हैं
ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका, डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। आइए देखते हैं अगला सवाल। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। आइए देखते हैं अगला सवाल। दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए अंजीर, बी खजूर, सी अनार, डी सेब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंजीर। आइए देखते हैं अगला सवाल। नवोदय विद्यालय में किस कक्षा से दाखिला मिलता है? आपके विकल्प हैं ए कक्षा 3, बी कक्षा 4, सी कक्षा 5, डी कक्षा 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कक्षा 6। आइए देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके विकल्प हैं ए 14 हड्डियां, बी 8 हड्डियां, सी 22 हड्डियां, डी 206 हड्डियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 हड्डियां। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूध में शहद मिलाकर पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके विकल्प हैं ए शुगर, बी पथरी, सी तनाव, डी पीलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तनाव। आइए देखते हैं अगला सवाल। शरीर का कौन सा अंग है जो कभी नहीं बढ़ता है? आपके विकल्प हैं ए कान, बी दांत, सी आँख, डी लंबाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आँख। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? आपके विकल्प हैं ए भालू, बी बंदर, सी हिरन, डी कुत्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भालू। आइए देखते हैं अगला सवाल। बासी रोटी दूध के साथ खाने से कौन सी बीमारी में लाभ होता है? आपके विकल्प हैं ए कैंसर, बी एनीमिया, सी डायबिटीज, डी पथरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डायबिटीज। दोस्तों, ये है आज का आखिरी सवाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? आपके विकल्प हैं ए चीता, बी भालू, सी शेर, डी हाथी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।